बिहार में एक बार फिर से शराबबंदी कानून लागू हो गया है। पटना हाईकोर्ट द्वारा अधिसूचित शराबबंदी कानून को निरस्त किए जाने के दो दिनों बाद बिहार सरकार ने फिर से नया शराबबंदी कानून लागू किया, जिसमें अधिक कड़े प्रावधान हैं। गांधी जयंती के अवसर पर इस नए शराबबंदी कानून के लागू हो जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न मंत्री परिषद की बैठक में संकल्प लिया गया कि राज्य में शराबबंदी को लेकर हमारा निश्चय अटल है और इस सामाजिक बदलाव के कार्य में हम पूरी इच्छा शक्ति के साथ लगे रहेंगे। 4 अगस्त को विधानमंडल ने इसे पारित किया, 7 सितंबर को इस विधेयक पर महामहिम राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हुई और यह उसके बाद किसी भी क्षण अधिसूचित करके प्रभावी किया जा सकता था। 14 सितंबर को कैबिनेट के द्वारा निर्णय कि यह 2 अक्टूबर से प्रभावी होगा, इसलिए 2 अक्टूबर से आज के दिन यह स्वतः प्रभावी हुआ। हाईकोर्ट ने पुराने शराबबंदी कानून को ध्वस्त कर दिया था, जिससे एक बार फिर से जनता ने सरकार पर दबाव बनाया और नीतीश कुमार सरकार ने शराबबंदी कानून को फिर से कारावास की अवधि बढ़ाई गई है। जुर्माने की राशि में वृद्धि, किसी घर से शराब की बोतल बरामद होने की स्थिति में सभी वयस्क की गिरफ्तारी और शराबबंदी का उल्लंघन बार बार करने पर किसी भी इलाके पर सामूहिक जुर्माना शामिल किया गया है। मंत्री परिषद की बैठक में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद और अन्य मंत्रियों के साथ मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह सहित कई ऑफिसर मौजूद थे। NMF न्यूज की रिपोर्ट।